तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, आपको मेरी तरफ से ईद मुबारक। ये रही ताहिर भाई की बुलेट और ये रही इश्फाक भाई की ड्यूक। देख देख अब इधर देख, इधर मुन्ना बोल, इसमें इसके नीचे भी पैसे है, मेरे हाथ में भी पैसे है, जिस चीज़ को तू छुएगा वो तेरे, फिर मैं उससे ज़्यादा नहीं दूंगा। भाई कैसा मज़ा आ रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कश्मीर में आके कैसा लग रहा है? ये जगह कैसी है यहाँ पे? सच कहना सच कहना, अच्छा जगह है। और भाई क्या कहना चाहता है इस बारे में? इधर तो घूमने में बहुत अच्छा है और कश्मीर भी बहुत अच्छा। कश्मीर भी अच्छा। सो गाइस अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग? होप आप सब ठीक होंगे, मजे में होंगे। तो आप सबको आज मेरी तरफ से ईद मुबारक। तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, आपको मेरी तरफ से ईद मुबारक। मैं मुंतजर, आप सबको ईद मुबारक। तो गैज़ मुंतजर ने नमाज़ पढ़ी है, मैंने अभी नमाज़ नहीं पढ़ी है, मुझे जाना है पापा के साथ नमाज़ पढ़ने। पहले बाबा ऋषि और है मेरे साथ कज़न माजिद भाई। तो मुंतजर आया है सुबह सुबह नमाज़ पढ़ने, क्योंकि यहाँ पे 7 बजे नमाज़ थी। तो अब हम जाएंगे बाबा ऋषि, मिलते हैं आगे रास्ते में। तू क्यों हंस रहा है? ये पता नहीं क्यों हंस रहा, हंस क्यों रहा है मुना? मुना आज ईदी चाहिए या नहीं चाहिए बता? चाहिए कितना? 10 रुपया? फिर कितना? 100 रुपया? 100 रुपया चाहिए इस बंदे को, 100 रुपया। चलो गाइज मिलते हैं आप आगे, होप आप सब आज एंजॉय करोगे मजे करोगे। तो मिलते हैं आगे। तो फाइनली पूछ के बाबा जी गाड़ी अपने पार्किंग में लगाई, अब जाएंगे अपनी नमाज पढ़ने। तो गाइज वो रही मस्जिद, तो अभी हम जाएंगे मस्जिद के अंदर। वो हमने घर में ही धो के लाया था, तो अभी पढ़ेंगे नमाज। तो ये ज़ियारत शरीफ है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने नमाज की है ख़त्म। अभी मैं सीधे घर आ गए, क्योंकि मैंने रास्ते में ब्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि वहाँ के मैंने पहले से ही 2-3 ब्लॉग बनाए थे बाबा ऋषि के, तो इसलिए मैं वहाँ का ब्लॉग आगे कंटिन्यू नहीं किया। तो मैं सीधे जाके अब घर में ये शूट कर रहा हूँ। तो गाइज अभी पीएंगे चाय, और मुंतजर भी ज़िद कर रहा है कि उसको ईदी चाहिए। तो पिछले वाले ईदी में मैंने उसको 5 रुपये दिए थे, तो इस वाली ईद में उसके साथ प्रैंक करेंगे, उसको 10 रुपये देंगे, लेकिन दूंगा मैं उसके बाद उसको ईदी। तो देखेंगे अभी उसका क्या रिएक्शन रहेगा। रुकनवश क्या चाहिए बताना? कितना? 100 रुपया। 10 रुपये है मेरे पास, 10 है मेरे पास। अच्छा रुक, आंखें बंद करना, तू पहले उस साइड देख, उस साइड देख, यहाँ नहीं देखना पीछे, ठीक है? देख देख अब इधर देख, इधर मुन्ना बोल, इसमें इसके नीचे भी पैसे है, मेरे हाथ में भी पैसे है, जिस चीज़ को तू छुएगा वो तेरे, फिर मैं उससे ज़्यादा नहीं दूंगा। ये क्या कर रहा है? जोर से कर, जोर से कर, क्या कर रहा है? हिला मत, हिला मत, ना ना, पहले बोल इसे क्या होता है, इसे क्या होता है, आप फिर से मत कर, इसे क्या होता है? वन सेंसर कैच कैसा है? इसको मत छू, मत कुछ छू, मत छूना नहीं, बोल क्या चाहिए, फिर से सोच, ये वाला है वो वाला है, ये वाला चाहिए वो वाला नहीं चाहिए, बता दे फिर से बता कौन सा चाहिए।
यही चाहिए। खोलो मैं हाथ, खोलो हाथ, ये ले देख इसके नीचे कितना था। ₹500 था, अगर तूने इसको छुआ होता तेरे ₹5 के बदले। अब क्यों रो रहा है, 100 तो दिया, अब मैं ये भी वापस लूँगा फिर वीडियो बनाने के बाद। तो गाइस अचानक से कज़न ने कॉल की, हमको जाना है मानसबल क्योंकि इनको कुछ प्रैंक वीडियो शूट करना है। आपको पता ही होगा कि ये शूट करते प्रैंक वीडियोस, तो अभी हमको जाना है मानसबल। और आप जो ये लोकेशन मेरे पीछे देख रहे हैं, ये मैं अभी नाइट खाई से स्टार्ट कर रहा हूँ व्लॉग। तो अब हम यहाँ से जाएंगे मानसबल प्रैंक करने के लिए, तो आपको मैं दिखाऊँगा पहले मेरे साथ कौन कौन है। तो गाइस ये रहे हमारे इश्फाक भाई, वो रहे मुजामिल भाई, ये है उवैस भाई, और वो रहे ताहिर भाई। तो आज जाना है प्रैंक करने के लिए, तो इनकी चैनल का नाम है ड्रामा देखो कश्मीर, तो यूट्यूब पे भी अवेलेबल है एंड फेसबुक पे भी, तो जाके फॉलो सब्सक्राइब ज़रूर करना। अब मिलते हैं आगे, देखते हैं आज कैसा प्रैंक रहेगा। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे, आप मेरे पीछे देख सकते हो, लेकिन यहाँ पे हमको लगा टाइम शायद 1 से 1.5 घंटा तक यहाँ पे लगा, रास्ता भी थोड़ा सा ख़राब था। लेकिन अभी पहले ही हम यहाँ पे आ चुके हैं, लेकिन पहले इन लोगों ने बोला कि प्रैंक करेंगे, तो पहले मैं दिखाऊंगा कि ये लोग कैसे प्रैंक करते हैं, तो फिर फुल वीडियो इनकी चैनल पर अपलोड हो जाएगा। चलो मिलते आगे। गाइस जहाँ से आपको पहले टिकट लेनी है उसके बाद ही आप यहाँ पर आ सकते हो, तो आप यहाँ का व्यू देख सकते हो। यहाँ पे गाइस बहुत सारी भीड़ है, पता नहीं इन लोगों का प्रैंक कैसा हो रहा है। अभी एक शॉट लिया था लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रहा। यहाँ पे कुछ किस्मत की गेमें चल रही है, लक पे यहाँ पे बहुत सारी गेमें डिपेंड है, लेकिन गलत है ऐसी गेमें खेलना, तो इनसे मैं ये सब आप मत करो प्लीज़, मैं वहाँ पर जाऊँगा ही नहीं। जगह का नाम मुझे खुद नहीं पता है, मैं आया हूँ ऐसे ही। तो गाइस ये सब अभी प्रैंक करने के लिए रेडी है, लेकिन करना था बैलून प्रैंक, लेकिन बैलून यहाँ पे कहीं पे नहीं मिले। अभी देखेंगे कि किस टाइप का प्रैंक करेंगे। तो गाइस ये रहे यहाँ के बूट शिकारा, गाइज फाइनली एक प्रैंक तो सक्सेसफुल हो गया, लेकिन अभी भी इनको शायद दूसरा प्रैंक वीडियो बनाना है, तो मैं तो उठाने पे हूँ यार। तो गाइज लेकिन भूख भी बहुत ज़्यादा लगी है, ये लोग तो कुछ खिलाने वाले नहीं है, ये सारे के सारे कंजूस हैं। तो ये लोग कह रहे हैं कि खिलाएंगे, तो ये कह रहे हैं मैंने 3 बार खाना खाया। तो गाइस अभी मैं आपको वहाँ का व्यू दिखाऊंगा, बहुत ही मस्त है। तो गाइस यहाँ पे इश्फाक भाई की तरफ से मसाला सूट, आप भी खाइए। हमारे फैंस लोग आए, ओए कोबरा बंडल। तो गाइस ये रहा मानसबल लेक, तो ये यहाँ की पार्क है जो मैं अभी तक आपको, एक मिनट रुक जाओ, जो मैं आपको यहाँ से दिखा रहा था, एंड इसके ऊपर भी एक पार्क है, तो यहाँ पे आप आ सकते हो यार, बहुत ही मज़ा है यहाँ पे मानसबल लेक। एक मिनट रुक जा। भाई कैसा मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। कश्मीर में आके कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है।
ये जगह कैसी है यहाँ पे? बहुत अच्छा जगह है। सच कहना, सच कहना, अच्छा जगह है। हाँ भाई, क्या कहना चाहता है इस बारे में? इधर तो घूमने में बहुत अच्छा है और कश्मीर भी बहुत अच्छा। कश्मीर भी अच्छा, आप बताओ कुछ। भैया क्या बोल रहे हैं, कैसा मजा है कश्मीर में? कह रहे बहुत ही अच्छा मजा है यहाँ पे। तो गाइस ये रहा है यहाँ का एक साइड का मार्केट, यहाँ पे भी आपको बच्चों की चीजें मिल सकती है। बच्चों की चीजें हर जगह मिलती है, हम बड़ों की चीजें कहीं नहीं मिलती है भाई। हम बड़ों का भी कुछ सोचा करो। यहाँ पे आपको मिल सकता है पराठा, पराठा और हलवा, और भी कुछ बहुत सारी चीजें हैं। गाइस यहाँ पे बहुत सारी फिशेज है, आप देख सकते हो, लेकिन मसला ये यहाँ पे गेट बंद है। तो गाइस आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, ये रहे। तो गए ये रही ताहिर भाई की बुलेट और ये रही इश्फाक भाई की ड्यूक। तो अभी हम निकलेंगे यहाँ से घर ड्यूक पे। तो गाइज आप अचानक से देख रहे हो ये अंधेरा कैसे हो गया। तो एक्चुअली मेरा फ़ोन हो गया था स्विच ऑफ और मैं अब घर आ रहा हूँ क्योंकि मैंने व्लॉग को वीपीएस स्टॉप किया था, अब मैं आ रहा हूँ घर। तो अगर आपको व्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और एक गुड न्यूज़ है, मुझे कल सुबह निकलना है लद्दाख के लिए। अगर आप में से कोई भी भाई या जो भी होगा लद्दाख में तो मुझे कल सुबह निकलना है, तो मेरे साथ कॉन्टेक्ट ज़रूर करना। तो बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, मिलते हैं कल।